प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, कुरान का नियम। देखिए आवेश के बारे में आप शुरुआत से जानते हैं सब कुछ कि एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाए करते हैं। एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक निगेटिव आवेश होता है। अब इन आवेशों के बीच बल कितना लगता है, ये आवेश किस प्रकार से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में कुछ नियम है, ये समझिएगा। हम बात करने जा रहे हैं कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, देखिए कूलाम साहब ने कहा कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश स्थिर हो और बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब होता है कि मान लिया ये एक आवेश है, इस पूरी रॉड में आवेश है, इस रॉड के ऊपर, तो ऐसे नहीं चलेगा, इस पूरे को एक साथ इकट्ठा करिए, ये उठा के रख दीजिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेश अगर उस दूरी पर रख दिए जाए, मान लीजिए Q1 और Q2 आवेश हैं और इन्हें हमने मान लिया कि ये r दूरी पर रख दिए गए, तो ये कूलाम ने कहा कि इन पर एक बल कार्य करता है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, अगर मान लिया दोनों का आवेश अलग अलग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये आकर्षित करेंगे, और ये प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो बल का जो मान होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुप्रमाणुपाती, अनुप्रमाणुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे गुणनफल बढ़ेगा उस बल का मान भी बढ़ेगा। एक होता है अनुप्रमाणुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े वो अनुप्रमाणुपाती, और घटे तो व्युत्क्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ेगी, अगर दूरी बढ़ेगी तो आवेश का मान कम होता जाएगा, सॉरी बल का मान कम होता जाएगा। तो जब s इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आता है k, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k जो यहां पर है वो एक नियतांक, यहां पर नियतांक है। अभी एक और k आएगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ होती है। यूनिट निकाल सकते हो, r स्क्वायर को इधर गुणे में ले आओ और q1 q2 को बटे में ले आओ, तो यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम साहब का नियम था, ठीक है। जो के की वैल्यू है इसको कहा गया 1/4πε₀। अब ये जरा एक नया वर्ड है, उसको ध्यान से समझिएगा। और इसकी वैल्यू क्या बताई गई, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। जरा इसकी इंग्लिश देखिए, इसको कहते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, जरा राइटिंग गड़बड़ है समझ लीजिएगा, ऑफ फ्री स्पेस। जरा इस परमिटिविटी का मतलब समझिएगा, जैसे मान लिया हम यहां खड़े हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी एक आवेशित कण है और एक बिजली का तार है, 11,000 लाइन उसमें जा रही है, वहां आवेश है, एक वैद्युत क्षेत्र है। तो अब हमारे और उसके बीच में बल कार्य करना चाहिए। मान लिया वहां से वैद्युत रेखाएं निकली, 50 रेखाएं निकली, लेकिन माध्यम क्या करेगा, माध्यम उसमें से 10-5 रेखाओं को एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो जितनी माध्यम अवशोषित कर ले वो उसकी वैद्युतशीलता, जितनी माध्यम अवशोषित कर ले, जैसे मान लिया हमने कहा एक रॉड है हमारे पास, एक लकड़ी है, और हम लकड़ी को बिजली के तार में रख देते हैं, लेकिन हमको करंट नहीं लगती, क्यों, क्योंकि जितने भी वहां से वैद्युत लाइन्स निकली होंगी वो लकड़ी पूरी की पूरी लाइन्स को अवशोषित कर लेती है, मतलब उसकी वैद्युतशीलता वो है जितनी लाइन को अवशोषित कर ले, ठीक है। और अगर ये निर्वात की वैद्युतशीलता ना होती तो हमारा या तो रहना मुश्किल हो जाता या तो हम बिजली का आविष्कार नहीं करते, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर आवेश होगा, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा, हमें वहां से निकलना होगा, तो सिंपल सी बात है हमको करंट लग जाएगी। तो माध्यम क्या करता है, माध्यम उन लाइन्स को अवशोषित कर लेता है और हमारे तक वो विद्युत क्षेत्र नहीं आ पाता है। तो ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻¹². इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है, और अगर इसकी डायमेंशन या यूनिट निकाले तो इसकी यूनिट, इसकी उल्टी होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है कूलाम्ब का नियम। अब मान लेते हैं कि अगर हम आवेशों के बीच में एक कोई माध्यम रखे, जैसे हमने कहा ना कि वो आवेशित एक तार था, हम थे और बीच में लकड़ी थी, लकड़ी एक माध्यम थी, तो अगर मान लें कि माना कि यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा हो, आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, कोई माध्यम हो, माध्यम क्या हो सकता है, आप पानी रख दीजिए, आप माइका रख दीजिए, आप पेपर रख दीजिए, आप कांच रख दीजिए। अब आपको लगेगा अजीब व्यक्ति है भाई, अब कांच रख दोगे और माइका रख दोगे तो ये क्या है, पेपर रख दोगे उसमें तो आवेश जाएगा ही नहीं, वो बाद में बात की जाएगी, उसमें भी आवेश होता है, कैसे होगा बाद में बताया जाएगा। तो F इज इक्वल टू होगा 1/4πε, यहां डॉट नहीं लगाते, इंटू Q1Q2/r2। जो एप्साइलन होता है यह है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। और एप्साइलन और एप्साइलन नॉट का जो अनुपात है इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये K वो पहले वाला नहीं है, K वो नेतांक है, इस K को हम कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक इसको कहा जाता है। यानी यहां से अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालें क्या आएगा, कि एप्सिलॉन, तो हम चाहें तो इस समीकरण में इस मान को रख सकते हैं। ये जब आप रखिएगा, जब लिखिएगा यदि आवेशों के बीच माध्यम हो, इसको नोट लीजिएगा अलग से, ये अलग से बताया जा रहा है, कूलाम्ब के नियम में यही है लेकिन ये अलग केस है। तो इसका मान समीकरण एक पे रख दो, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक में तो यहां मान रखोगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, इसका मान रख दिया हमने उठा दिया यहां से, इंटू Q1Q2/r2। तो ये न्यूटन का, सॉरी कूलाम्ब का नियम है। और जब कोई हम प्रूफ करेंगे यहां पर जो भी डेरिवेशन होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, आवेश जहां भी रखेंगे वहां मान लेंगे कि जहां भी आवेश रखे वहां एक माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, पूरे डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम K का मान 1 रख देंगे कि निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं, हम न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जब बताएंगे, तो वहां हम K यूज नहीं करेंगे जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा, हम 1/4πε0 का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कूलाम्ब का नियम है। अब कूलाम्ब का जो नियम है वो सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, अब सदिश रूप जाने के लिए थोड़ा सदिश राशियों के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा 11th क्लास में अपने आप को ले जाओ और सदिश और अदिश वहां पढ़ाए गए होंगे, जरा सदिश के बारे में बात करते हैं। सदिश जो आपको पढ़ाया गया वहां पर, क्योंकि यहां पर हम सब सदिश राशि लिखेंगे तो कुछ फंडामेंटल्स हम लिखेंगे जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सदिश राशि क्या होती है, सदिश में एक आपको बताया गया था इकाई सदिश, याद अगर हो तो इकाई सदिश को हम लिखते थे एक कैप, उसके ऊपर कैप रह देते, क्या होता था, अगर मैं इकाई सदिश का परिमाण निकालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। निकालते कैसे थे, किसी भी सदिश को अगर उसके परिमाण से भाग कर दिया जाए तो आपको इकाई सदिश मिल जाएगा, किसी भी सदिश को अगर उसके परिमाण से भाग कर दिया जाए तो आपको इकाई सदिश मिल जाएगा। चला ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका तिरछा गुणा करें तो वेक्टर A इज इक्वल टू इसका परिमाण इंटू A कैप, मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी परिमाण को उसके इकाई सदिश से गुणा कर दें तो आपको सदिश मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एक्स दिशा, वाई और जेड, इस दिशा में आपको इकाई सदिश पढ़ाए गए हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। अब हमने आपसे कहा कि एक्स दिशा में 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 5 न्यूटन क्या है, उस सदिश का परिमाण है। हम कहते हैं इस वेक्टर को, इस जो बल है इसको वेक्टर के रूप में लिखिए। अभी हमने क्या कहा कि जो 5 है वो बल का परिमाण है, बल का परिमाण है, और हमने कहा इसको सदिश के रूप में लिखिए। तो आपने क्या कहा, K
किसी परिमाण को उसकी दिशा के इकाई सदिश से गुणा कर दें। इकाई सदिश क्या है? आई कैप। तो हम इसको आई कैप से गुणा कर देंगे तो ये बल वेक्टर बन जाएगा। समझ में आई बात? मतलब किसी भी परिमाण को अगर उसकी, देखिए जो इकाई सदिश की दिशा तो वही होगी जो इस वेक्टर की दिशा है, ठीक है, तो अगर उसके इकाई सदिश से गुणा कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? वेक्टर मिल जाएगा। और इकाई सदिश क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड मतलब परिमाण, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू। इसका हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम का सदिश रूप क्या होता है, कूलॉम के नियम को सदिश रूप में कैसे लिखते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, नियम का सदिश रूप देखिए ध्यान से। हमने कहा ये दो आवेश हैं, हम फिलहाल प्लस क्यू वन और प्लस क्यू टू मान लेते हैं। आप कहेंगे क्यों, ऐसे ही मान लेते हैं, माइनस मान लो प्लस मान लो कोई मान सकते हो तो। और हमने इसके बीच की दूरी आर मान ली। आर का मतलब है परिमाण, मतलब परिमाण का मतलब मैं इधर से इधर के बीच की दूरी का परिमाण निकालू तब भी आर, इधर से इसके बीच की दूरी का परिमाण निकालू तब भी आर। दोनों का नेचर कैसा है? एक जैसा है। दोनों के बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा Q1 के कारण Q2 पर बल निकालने जा रहे हैं, Q2 पर बल, इसको लिखेंगे कहते हैं F, बल किस पे लग रहा है? 2 पे, तो 2 लिखेंगे, किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से, इज इक्वल टू, इस पे लग रहा बल, बल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा F2 1, क्या पढ़ा जाएगा? 2 पर बल लग रहा है Q2 पर, Q1 के कारण। क्या वैल्यू होगी? हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 / r². अब वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें, देखिए ध्यान से, ये जो दिशा है बल की वो A बिंदु से लेकर के B की तरफ है, A से B की तरफ है, तो A से B की तरफ हम एक इकाई सदिश मान लेते हैं r12 कैप, मान लेते हैं r12 कैप। 1 से 2 की तरफ, बहुत लोग R21 कह भी लेते हैं, वो कहते हैं 2 की तरफ और 1 की तरफ से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मानने पर है। दिशा क्या है? R12 कैप से हमने गुणा कर दिया, फिर कहे में कन्वर्ट हो गया वेक्टर में, पहले वेक्टर में नहीं था, और जब मैंने उसके इकाई सदिश से गुणा कर दिया तो ये बन गया वेक्टर। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए ध्यान से, Q1 Q2 / r², इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी? अभी हमने कहा A कैप को ले सकते हैं वेक्टर A अपान इसका परिमाण, तो इसका वेक्टर तो हो गया R12 वेक्टर। परिमाण क्या है? यहां से यहां के बीच की दूरी, ये क्या आपने मानी है? R। इसको सिंपली क्या लिख दीजिए आप? R। तो क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 / r³ हो जाएगा, ये R³ × r12 वेक्टर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या निकला? Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल। अब हम बात कर रहे हैं कि Q2 की वजह से Q1 पर कितना बल कार्य करेगा, तो Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण है बल, कैसे लगेगा? इससे दूर की तरफ। F किसकी वजह से? किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसकी वजह से? 2 की वजह से, तो F12 लिखेंगे इसको। इसकी दिशा इधर ही रहती है, तो F12, अभी वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं, क्या वैल्यू होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 / r². अब देखिए दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है वो B से A की तरफ है, तो आप क्या करें? B से A की तरफ, यानी 2 से 1 की तरफ एक इकाई सदिश मान लें R21 कैप, इसको गुणा किसे कर दें? R21 कैप। जैसे ही इसे गुणा किया, जैसे क्या बन गया? वेक्टर बन गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या आएगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। हमने इकाई सदिश को क्या बताया लिखने के लिए, कि इसको लिख सकते हैं आर टू वन वेक्टर अपॉन मॉड परिमाण, यहां से यहां का परिमाण कितना है आर, तो ये हो जाएगा आर, इसका इसका गुणा हो जाएगा, तो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यू इंटू आर टू वन वेक्टर। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जो F21 निकाला था, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू देखिए जरा, और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू देखिए जरा, दोनों से मानिए अंतर क्या है, R21 R12। हमने 11th में पढ़ा है कि वेक्टर AB कहें चाहे वेक्टर BA कहें, दोनों बराबर होते हैं कि ऋणात्मक होता है, तो लिखेंगे चूंकि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, अतः F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये आपके कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। फिर समझ लीजिएगा, पहले Q2 पर बल लगा रहे थे Q1 की वजह से, तो उसको लिखा था F2 पर बल 1 की वजह से, तो 21 लिखा गया, ठीक है, क्योंकि दिशा इसकी 1 से 2 की तरफ है, इसलिए हमने गुणा R12 कैप से किया। फिर हमने लिखा Q1 पर बल Q2 की वजह से, 1 पर बल 2 की वजह से, तो F12 लिखा, दिशा क्या है 2 से 1 की तरफ, इसलिए हमने R21 से मल्टीप्लाई किया। तो कहीं अगर किसी बुक में इसको R21 लिख दिया गया हो तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो मानने पर है, वो मान सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इससे आपको मिला क्या भाई, इससे क्या महत्व आपको दिखाई पड़ रहा है इसको, तो देखिए इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है कि कूलाम का जो सदिश रूप है इसका महत्व क्या है। एक तो अभी आपने देखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, आपको याद होगा किसी नियम की याद आपको दिला रहा है, न्यूटन का गति विशिष्ट गति नियम, तो ये न्यूटन के गति विशिष्ट गति नियम को फॉलो करता है, और ये बल दो बिंदुओं के बीच एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लगता है, इसलिए इसको केंद्रीय बल भी कहते हैं, ये केंद्रीय बल है। इतना याद रखिएगा, अगर कहीं पूछ लिया जाए कि भी कूलाम के सदिश नियम को समझाइए और इसका क्या महत्व है, तो आप लास्ट में लिख देंगे कि ये न्यूटन के गति विशिष्ट गति नियम को फॉलो करता है, पालन करता है, और ये केंद्रीय बल है बस, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और किसी एक आवेश पे बल का लगाते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको। अब अगली हेडिंग है इसकी कि अनेक आवेशों के बीच बल, अनेक आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल, इसको कहा गया अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए क्या है, जरा अध्यारोपण वर्ड को पकड़िएगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। वहां क्या बताया गया था कि अगर दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर किसी माध्यम में चलती हैं, तो माध्यम में किसी कण का परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जैसे मान लिया कोई तरंग ऐसे ऐसे जा रही है और किसी कण को उसने ऐसे धक्का मारा और ऐसे वो एक मीटर चला गया, और दूसरी तरंग आई उसने फिर ऐसे धक्का मारा और आधा मीटर चला गया, तो कुल कितना हो गया डेढ़ मीटर। एक तरंग आई उसने इसको एक मीटर ऐसे मारा धक्का, और दूसरी ने इधर से मारा आधा मीटर, तो कितना हो गया आधा मीटर। तो इसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जब दो या दो से अधिक बल किसी बिंदु पे कार्य करें और उसका वहां पर प्रभाव हो, उन बलों का वहां एक जो कंबाइंड प्रभाव होता है उसको हम कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। तो आवेशों के बीच कैसे लगता है, देखिए जैसे हमने ये चार्ज रखा प्लस क्यू वन, ठीक है, और इसके चारों ओर बहुत सारे चार्जर रखे हुए हैं, मतलब ये Q1, Q2 रखा हुआ है, ये Q3 रखा हुआ है, ये Q4 है, इसी प्रकार से ये Qn है, और इसकी जो दूरी है यहां से ये हमने R12 मान ली, ये डिस्टेंस जो है हमने R13 मान ली, ये R14 मान ली, और ये मान लिया हमने डिस्टेंस मान ली है R1n, n आवेश रखे हुए हैं।
तो सिंपल सी बात है, सभी आवेश इस पर बल लगाएंगे। और हमने क्या कहा, अगर किसी एक बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, उनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो उनका जो परिणामी बल होगा वो उन बलों के एलजेब्रिक सम कहिए आप, यानी कि बीजगणितीय योग कहिए, या उसको आप वेक्टर सम कहिए, सदिश योग कहिए, ठीक है। तो देखिए Q2 के कारण Q1 पर बल, इसका नाम दे दो F1 पे लग रहा है 2 के कारण, = 1/4πε0 Q1 Q2 / हमने दूरी क्या हमने मानी है R12 का स्क्वायर इंटू, अब जरा देखिए इसकी दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षण बल है ये, इसको F12 माना है हमने। हमने इसको वेक्टर में चेंज करने का तरीका क्या बताया था, हमने कहा था R12 कैप, कैप मतलब इकाई सदिश से गुणा कर दीजिए तो वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। Q3 के कारण Q1 पर बल, इसको हमने मान लिया F13 = 1/4πε0 Q1 Q3 / R13 माना है इंटू R13 कैप, दिशा क्या होगी, ये भी प्रतिकर्षण है, इस लाइन के अलावा सीधे ऐसे F13। फिर Q4 के कारण इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर बल, ये Q4 मत लिखिए, बहुत सारे आवेश होंगे, दिखाने को दिखा दीजिए आप यहां पर, ये F14 है और ये F1n है, ये हमने दिखा दिया। तो F1n = 1/4πε0 Q1 Qn / R1n का स्क्वायर √R1n कैप, ये बल हो गए। तो जब हम Q1 पर परिणामी बल निकालेंगे, Q1 पर परिणामी बल F12 vector + F13 vector + F14 vector + F1n vector। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे हम, देखिए न्यूमेरिकली तो नहीं लगा सकते आप, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो ये दिशा दी हुई होगी, सब कोण दिए होंगे यहां पर, ठीक है। तो आपने याद हो तो आपको वेक्टर में 11th क्लास में पढ़ा है, अगर दो बल कार्य कर रहे हो कहीं पर, इस प्रकार से दो बल कार्य कर रहे हैं मान लिया पी और क्यू थीटा कोण पे, तो उनका जो परिणामी होता था R² = P² + Q² + 2PQ cos θ। बहुत सारे बल अगर कार्य करेंगे तो उनका ऊर्ध्वघटक और क्षैतिज घटक निकालते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता। अच्छा देखिए कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण नियम, इन दोनों का हम संबंध निकालते हैं क्या है। देखिए कूलाम साहब कहते थे अगर दो आवेशित कण है उनका आवेश अगर सजाती है तो प्रतिकर्षण करेंगे, विजाती है आकर्षण करेंगे। लेकिन न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर मान लिया दो आवेश उनके द्रव्यमान है तो वो हमेशा आकर्षित करेंगे। अब अगर हम बात दो प्रोटॉन की करें तो दो प्रोटॉन का आवेश एक जैसा होता है, तो कूलाम के हिसाब से बल कैसा लगना चाहिए, प्रतिकर्षण का, और न्यूटन के हिसाब से आकर्षण का, दोनों में सही कौन है, दोनों सही है। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो कूलाम का बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, थोड़ा दिमाग में लगा लीजिएगा। अगर प्रोटॉन के बीच की बात करें, प्रोटॉन के बीच बल, तो कूलाम का जो बल होता है, कूलाम बल जो होता है यानी या वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10^36 गुना ज्यादा होता है,
गुना ज्यादा होता है। मतलब आकर्षण बल भी है लेकिन और प्रतिकर्षण बल भी है। मान लिया 500 की नोट रास्ते पड़ी है तो आकर्षित तो कर रही है, अगर आपको कह दिया जाए उसमें कोरोना वायरस हो सकता है तो उसमें प्रतिकर्षण भी है, तो आप उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये वैद्युत बल बहुत ज्यादा लग जाए। तो वही यहां पर भी होता है, बल दोनों कार्य कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इसमें बल इसका ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच अगर हम निकालें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, तो ये करीब 10 की पावर 43 गुना ज्यादा होता है। तो बल दोनों कार्य करते हैं लेकिन चूंकि कूलाम के नियम यानी कूलाम का बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल को यहां नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र नाम से लग रहा है क्षेत्र की बात है, जरा क्षेत्र के कांसेप्ट को समझिएगा किसने दिया था। सबसे पहले जब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल आपको पढ़ाया गया होगा तो ये बताया जाता है कि न्यूटन साहब थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से सेब गिरा, नीचे गिरा। तो न्यूटन का कहना ये था कि भाई ऐसे ये पेन मेरे पास है और इस पेन से मैं, मेरे पास ही पेन है, मेरा पेन है, मेरी बात मानता है। हमने इससे कहा वहां जाके तुम बैठो, ये नहीं जाएगा, इसको जाने के लिए हमको इसको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हम छोड़ दें तो जमीन पे गिर जाएगा। क्यों? यही न्यूटन साहब ने कहा था कि जो पदार्थिक कण होते हैं उनके चारों ओर एक क्षेत्र होता है अपने आप, उसको गुरुत्वीय क्षेत्र कहा गया। उस क्षेत्र के अंदर अगर दो एक और पदार्थिक कण आ जाएगा तो उसमें बल लगेगा आकर्षण का। वही यहां पर भी होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी आवेशित कण के चारों ओर होता है, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें दूसरा अगर कण लाया जाए तो बल का अनुभव करे। अब देखिए मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश रखा, इसने चारों ओर अपना एक क्षेत्र उत्पन्न किया होगा, अभी दिशा की बात अभी हम करेंगे, प्लस से दूर वैसे होता है। अब इस क्षेत्र में अगर कोई एक आवेश परीक्षण के लिए लाया जाए, परीक्षण आवेश, तो इस पर बल लगेगा जबकि ये इसको छू नहीं रहा है। क्यों लगेगा? इसका मतलब इसने अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न किया है, उस क्षेत्र के अंदर अगर दूसरा परीक्षण आवेश आता है तो उस पर बल कार्य करता है। तो इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का दूसरा एक चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश रखने पर बल का अनुभव करे वो, तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं अब, या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, देखिए हमने कहा कि एक क्षेत्र होता है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था। अब अगर परीक्षण आवेश को किसी क्षेत्र में रख दिया जाए और परीक्षण आवेश चलना शुरू कर दे तो जिस रास्ते बल लगेगा, जिधर दिशा में लगेगा उधर ही वो चलेगा, तो जिधर वो चलेगा वो उसकी बल क्षेत्र की दिशा होती है। यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो स्मूथ वक्र रेखाएं जिन पर कोई भी स्वतंत्र आवेश अगर रखा जाए तो वो जिस रास्ते पे चलेगा, जिस पथ पे वो गति करेगा उसी पथ को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, बहुत डिटेल में नहीं आना है, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। इसकी दिशा क्या होती है, ये प्लस से निकलती है और माइनस में मर्ज हो जाती है। प्लस से माइनस की ओर हम याद करते हैं, लेकिन आप हमेशा ये मत याद करिएगा क्योंकि प्लस से माइनस याद करने में आपको एक आध जगह कंफ्यूजन की स्थिति होगी। तो प्लस से दूर की ओर होती है, प्लस से दूर इतना याद कर लीजिए, और माइनस की ओर होती है। अब अगर प्लस माइनस दोनों रखे हैं तो प्लस से निकलेगा और माइनस में चला जाएगा। अब इसकी दिशा हम बताने जा रहे हैं, दिशा कैसे आप इसकी निकालेंगे। सबसे पहले हम रखते हैं एक विलगित धन आवेश, विलगित माने सिंगल आइसोलेटेड, विलगित धन आवेश। अगर कोई विलगित धन आवेश है माने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वैद्युत रेखाएं हमेशा इससे दूर की ओर निकलेंगी, हमेशा दूर की ओर रहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये दूर की ओर है, ये विलगित धन आवेश के कारण वैद्युत रेखाएं हैं प्लस से दूर की ओर। अगर विलगित ऋण आवेश है, सुना लीजिएगा, अगर ये ऋण आवेश होता, विलगित
ऋणावेश, ये ऋण हो गया, तो ऋण पे भी यही होगा, लेकिन ये एरो का मुंह जो है वो ऋण की ओर हो जाता है, इस प्रकार से अंदर की तरफ बनेगा। तो ये विलगित हो गया, अगर आइसोलेटेड दो चार्ज रखे हैं तो ये बल रेखाओं की दिशा होती है। अब मान लिया अगर दो बराबर और विपरीत आवेश रखे हो, दो बराबर और विपरीत आवेश रखे हो, विपरीत आवेश रखे हो, तब क्या होगा? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। हमने कहा प्लस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो यहां से लाइंस निकलेंगी ऐसे, और ये माइनस में जाकर के ये मर्ज हो जाएंगे ऐसे, ये इसमें जाके ऐसे मर्ज हो जाएंगे ऐसे, इस प्रकार से ये मान लेते हैं लाइन से आगे मिली होगी। तो प्लस से दूर की तरफ बना दीजिएगा और माइनस की ओर बना दीजिएगा। तो ये कब दिखाएंगे? जब दो बराबर और विपरीत आवेश हो। अगर दो बराबर और सजातीय आवेश हो तो क्या करेंगे आप? दो बराबर और सजातीय आवेश हो, सजातीय मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो माने ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब यहां से बल रेखा निकली, क्योंकि जैसे बाहर निकली आगे क्या देखा कि भाई साहब तो हमारे जैसे ही प्रत्यर्षित करेंगे, तो ये ऐसे घूम जाती है, ऐसे भाग जाएगी दूर की तरफ। ये इसे बात नहीं कर सकती क्योंकि कैसी ये है, ये सजाती है, ये भी ऐसे भागेगी ऐसे, इस प्रकार से रहेगी दूर की तरफ ही, लेकिन ये कर्व में चलेगी इस प्रकार से। और यहां पर एक पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पर दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो इस प्रकार से आपकी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं करना है। देखिए, अगर वैद्युत बल रेखा में हमने क्या कहा था कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई विलगित परीक्षण आवेश रख दिया जाए, मान लिया यहां पर हम एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख देते, तो ये इसी लाइन पे चलता, जिधर जिधर बल लगता उधर उधर चलेगा। जैसे फिर पिक्चरों में देखा होगा आपने कि भाई ये हीरो को मारने के लिए वो आते हैं, वो सारे डकैत, तो उसको एकदम से ऐसे डालते हैं वो रस्सी, तो जिधर रस्सी रस्सी खींचती है वैसे तो हीरो जो है चलता है। तो अगर वो रास्ता दिखाए तो वो उसका क्षेत्र है, ठीक। तो वैसे यहां पर याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल एग्जाम मत लिखना। अब आते हैं ये वैद्युत क्षेत्र होता है इसकी तीव्रता कितनी होती है। यहां से मेन आपका गुलाम के नियम की बात में चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए आता भी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब है जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना ताकतवर है। तो किसी की ताकत का अनुमान कैसे लगाएंगे आप? उसे लड़ाई करके, किसको लड़ने के लिए भेजेंगे? हमारे हमको अपनी ताकत दिखानी है तो हम किससे लड़ेंगे? अपने से ताकतवर वाले नहीं, किसी मरगिले से लड़ेंगे, वो मार के भगा देंगे उसको। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए, परीक्षण आवेश की मान जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया जाए, तो क्यू नॉट पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? बहुत स्मॉल है, तो कहीं कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर है। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र की आपको ताकत निकालनी है, तीव्रता निकालनी है, तो जो परीक्षण करने के लिए आवेश आएगा, भाई सिंपल सी बात है, परीक्षण के लिए आवेश लेके आ रहे हो, ये भी आवेश है, ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, और जैसे इस दूसरे क्षेत्र में आएगा तो वो उसको भगा देगा। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए बहुत स्मॉल होनी चाहिए। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होगा? इसका न्यूटन होता है और क्यू का कूलाम होता है। अब जरा इस फार्मूले को समझिएगा। आपने कहा ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, तो एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट। तो कहीं पर अगर वैद्युत क्षेत्र ई होगा और कोई आवेश क्यू नॉट होगा और हमको वहां बल दिखाना होगा, तो क्यू नॉट इंटू ई लिखेंगे। बल के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आपने एफ बराबर एम ए भी पढ़ा है, आपने प्रेशर के फार्मूले में पढ़ा है पी इंटू ई। तो यहां पर एफ क्या लिखेंगे?
क्यू इंटू ई या क्यू नॉट इंटू ई, जो भी वहां आवेश दिया हो ये होता है। दिशा क्या है, वही प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।